हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीति, वेलकम टू माय चैनल जज्बा। यहाँ मेरे चैनल पर आपको मिलेगा कुछ हेल्थ टिप्स, इंस्पिरेशंस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ बातें। आज की लाइफ में लोगों के पास हर चीज़ है, बट एक चीज़ की कमी है और वो है मन की शांति। हर किसी को एंजाइटी है, हर किसी को टेंशन है, हर किसी के पास अपने कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो हैप्पी नहीं रह पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू रिलैक्स ऑफ योर माइंड। अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपने मन से इस बात को निकाल देना चाहिए कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोचता है, दूसरा हमारे लिए कैसी फीलिंग रखता है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, ये उसकी प्रॉब्लम है ना। अगर उसने अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भर रखी हैं कि वो मेरे लिए कुछ गलत सोचता है, गलत थिंकिंग रखता है, या मेरे साथ कुछ गलत हो जाए ऐसा वो सोचता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आप उसे छोड़ दीजिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या चाहते हैं मेरे लिए। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपने काम पर अपना ध्यान रखना है। दूसरों के बारे में दूसरों की परवाह करना आप छोड़ दीजिए। सेकेंड थिंग है, आप अपने मन को शांत रखिए। अपने मन में किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ मत रखिए जो आपको परेशान करे। कोई भी ऐसी बात जो आपको बार बार परेशान कर रही है, आप कुछ भी करते हो वो आपके मन में आ ही जाता है। तो आप अपने मन को शांत रखिए, उसको अपने मन से, उस डर को, उस चीज़ को आप हटा दीजिए। जितना अपने मन को शांत रखेंगे आप उतना ही ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। जो इंसान हमेशा दूसरों से जेलस रहता है, दूसरों से वो पसंद नहीं करता है, दूसरों से उसको गुस्सा है, चिढ़ है, तो वो अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर सकता है और ना ही वो चीज़ अचीव कर सकता है जो चीज़ वो एक्चुअल में कर सकता था अगर उसके पास ये सब ना होता, उसके दिमाग में ये सब कूड़ा अगर ना होता तो। इसलिए अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज के टाइम पे लोग इसीलिए ज़्यादा टेंस रहते हैं, इसीलिए आजकल इतनी ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। ये सबसे पहला रीज़न है कि हमारे मन, हम अपने शरीर का तो ठीक है, हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको तो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, बट हमारे मन में जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर और कैसे होगा, उसे हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। अपने मन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी होगी जो हमें परेशान करती है। थर्ड थिंग है कि हमें अपने आसपास जो हमारा फ्रेंड सर्किल है उसमें हमें किसी ऐसे इंसान के टच में नहीं रहना चाहिए जो कि निगेटिव बातें करता है या जो आपको भी निगेटिव कर देता है। आप कोई भी काम शुरुआत कर रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें वो आपको ऐसा ना बोले, अरे ये तो ऐसे ही है, ये इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, तुम ये क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो, ऐसे इंसान से आप दूर रहिए। या जो हर वक्त अपनी बुराई ही मतलब अपने घर की बुराई या पड़ोस की किसी की बुराई या अपने फ्रेंड सर्किल में ही जो नहीं प्रेजेंट है उसकी बुराई करना, इस टाइप के लोगों से आप दूर रहिए। क्योंकि ऐसे लोग ना आपको भी अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो आप निगेटिव लोगों से दूर रहिए। निगेटिव लोग से आप जितना दूर रहेंगे आपके सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट थिंग है कि अगर आपके मन को शांति नहीं मिल रही है, आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं आप उस चीज़ को नहीं भुला पा रहे हैं, कोई ऐसी बात आपके मन में है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा धर्म से जोड़ लीजिए, मतलब रिलीजियस चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा कनेक्ट करिए। क्योंकि रिलीजियस चीज़ों जो होती हैं ना वो हमें अंदर से बहुत अच्छा फील कराती हैं। तो आप थोड़ा सा रिलीजियस बुक्स कभी टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, कभी आप मंदिर जाना चाहती हैं वहाँ चले जाइए, या घर में ही आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा लगे, या आप किसी एनजीओ से जुड़ जाइए, किसी गरीब की जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो एक मतलब अच्छे कामों में अपने आप को लगा लीजिए। जितने भी आप अच्छे काम करेंगे ना तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा। हम जो करते हैं, जो सोचते हैं ना, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी वैसी ही बनती चली जाती है। अगर हम निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे, तो हम भी उन्हीं के जैसे ही अनजाने में ही बनते चले जाएंगे। हमें खुद को पता नहीं चलता लेकिन हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छे लोगों के साथ रखिए। चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में
ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो या एक दो ही हो, ठीक है इतना ही काफ़ी है, बट वो अच्छे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंड हो उसमें और आप वो एक दूसरे की बुराई ही करते रहें उसके ना रहने पर, उसके सामने उसकी, उसके सामने उसकी, तो ये भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक दो ही फ्रेंड रखिए, बट अच्छे रखिए, जिनके साथ रह के आपको अच्छा लगता है, आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। नेक्स्ट थिंग है खुद को बिज़ी रखिए। अगर आपका आप खाली बैठे रहेंगे या आप खाली बैठी रहेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में आलतू फालतू की बातें आएंगी, है ना, अपने टाइम को वेस्ट करेंगी। जैसे बहुत सी लेडीज़ में क्या होती है कि डेली सोप्स देखेंगी, टीवी ऑन कर लिया और पूरे पूरे दिन उसी में लगी रहती हैं, इससे उनका टाइम वेस्ट होता है और वो जो डेली सोप देखती हैं ना वो भी उनके दिमाग में भर जाता है, वो वैसा ही करती हैं अपने घर में भी। इसलिए आप ये सब मत देखिए, देखना ही है टीवी में, अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो आप कुछ कॉमेडी देखिए, कुछ इंस्पिरेशन से जुड़ी बातें देखिए, कुछ ऐसी मूवीज़ भी आती हैं होती हैं जिसको देख के हमें अच्छा लगता है। जैसे आप कुछ रिलीजियस, जैसे रामायण हो गया या इस टाइप की जो भी इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम आते हैं आप उसको देखिए, या फिर आप कॉमेडी देखिए या न्यूज़ देखिए, इस टाइप की चीज़ें देखिए। फालतू के नाटक सीरियल जो भी चलते हैं ना ये सब बकवास होते हैं, जो भी इस सबको देखता है ना उसका भी मतलब कैरेक्टर वैसे ही बनता चला जाता है, वो भी अपनी लाइफ में वैसे ही होता है। और देखने के बाद भी जब हम कोई काम करते रहते हैं ना तो वो ही उसी सीरियल की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो आप ये सब बंद कर दीजिए। आप अपने आप को किसी अच्छे काम में लगाइए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। नेक्स्ट थिंग है आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करिए, ये आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपके मन के लिए भी अच्छा है। आप जितना फिजिकल वर्क करेंगे ना उतना ही आपका मन अच्छा होगा, आपकी शरीर अच्छी होगी, तो आप इन सब चीज़ों में अपने आप को लगाएं। नेक्स्ट थिंग, दूसरा कितना सक्सेस है, दूसरा कितना आगे बढ़ रहा है, ये देखकर आप जेलस फील मत कीजिए। आप ये मत सीखिए मतलब दूसरा तो बहुत आगे और मैं बहुत पीछे हूँ, दूसरा जो है वो ठीक है, वो अपनी लाइफ में अपना अचीव कर रहा है, बट हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप थोड़ा बहुत उनसे टिप्स ले सकते हैं, उनको फॉलो, जो अच्छाई दूसरों में है उसे हम फॉलो कर सकते हैं, बट सेम टू सेम वैसे बनना ये ठीक नहीं है। आप अपने आप को अच्छे कामों में लगाइए और अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए कि हम कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आपका जो अपना काम है आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी प्लानिंग्स को सेट कीजिए, आगे आपको क्या करना है इस पे आप वर्क कीजिए, और दूसरों की बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कीजिए, उनके बातों को बिल्कुल भी सोच सोच कर खुद को परेशान मत कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।